रोल्स रॉयस कलिनिन का फेसलिफ्ट, अपडेटेड लैंड रोवर डिफेंडर रिवील हुई और साथ में बजाज ने न्यू पल्सर लॉन्च करी है। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्या फोर्ड इकोस्पोर्ट दोबारा इंडिया में आएगी? इन सब के ऊपर बात करेंगे इस क्विक न्यूज में। सो मेक श्योर कि ये वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा। वेलकम टू व्हाट कार इंडिया, जहां हम आपके लिए वॉक अराउंड, माइलेज टेस्ट और डिटेल रिव्यूज जैसी वीडियोस लेके आते हैं। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आप न्यू अपडेट्स को मिस ना कर दें। शुरू करते हैं इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कार स्विफ्ट से, क्योंकि मारुति ने फोर्थ जेन स्विफ्ट को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। एक्सशोरूम प्राइसेस इसके स्टार्ट हो रहे हैं 6.5 लाख रुपीस से और जाते हैं 9.65 लाख रुपीस तक। 2024 स्विफ्ट को एक्सटीरियर में थोड़ा सा अपडेट मिला है, जैसे कि नए बम्पर्स, हेड लैंप एंड टेल लैंप असेंबली और साथ में न्यू 15-inch अलॉय रिम्स भी। लेकिन मेजर अपडेट मिला है इसके इंटीरियर को, क्योंकि उसमें आपको मिलता है न्यू डैशबोर्ड, 9-inch इंफोटेनमेंट सिस्टम और ड्राइवर के लिए न्यू डायल्स। However, 4th Gen Swift में सबसे बड़ा चेंज आया है बॉनेट के अंदर, नए 1.2 लीटर 3 सिलेंडर Z सीरीज इंजन के साथ, या फिर Z सीरीज भी आप बोल सकते हो। पावर एंड टॉप फिगर्स पहले से कम हुए हैं, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है। इसकी फर्स्ट ड्राइव वीडियो हम आपके लिए बहुत ही जल्द लेके आएंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और हाँ, इसकी जो सेफ्टी है वो भी अब पहले से ज्यादा इंप्रूव हो गई है, क्योंकि 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड हो गए हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, देर इज अ न्यू XUV इन द मार्केट, महिंद्रा XUV 700 न्यू ब्लेज एडिशन। ये एडिशन AX7L के ऊपर बेस्ड है, हो सकता है सिर्फ 2500 यूनिट ही बनेंगी। नया क्या है इसमें यू आस्क? सबसे पहले तो यूनिक मैट रेड पेंट, और उसको कॉन्ट्रास्ट करने के लिए ग्रिल, ORVMs, एलॉयज और जो रूफ है ना वो ब्लैक्ड आउट है। और तीसरा है ब्लैक्ड आउट इंटीरियर रेड एक्सेंट और स्टिचिंग के साथ। एक्सशोरूम प्राइसेस 24.24 लाख से स्टार्ट होते हैं और जाते हैं 26.04 लाख तक। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने अपनी मोस्ट पॉपुलर MPV इनोवा क्रिस्टा का एक और नया वेरिएंट लॉन्च किया है, जो GX और VX के बीच में होगा। इसका नाम है GX Plus। ये GX से लगभग 1,40,000-1,45,000 रुपए महंगा होगा, क्योंकि GX से इसमें 14 फीचर्स आपको ज्यादा मिलेंगे, जैसे कि रियर पार्किंग कैमरा, ऑटो फोल्ड मिरर्स, डैश कैम, डायमंड कट अलॉय रिम्स, वुडन पैनल और हाँ, प्रीमियम फैब्रिक सीट्स भी। 7 या फिर 8 सीटर कॉन्फ़िगरेशन का इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा। अब आते हैं अपने इम्पोर्टेंट सवाल पे। जैसे कि आप सबको पता है कि फोर्ड मोटर कंपनी इंडिया में कमबैक करने वाली है बहुत ही जल्द, और इस टाइम पे एक बहुत ही जरूरी सवाल जो सभी इंडियंस के माइंड में आ रहा है कि क्या फोर्ड मोटर कंपनी इंडिया में इको स्पोर्ट वापस लेके आएगी, यस और नो? आंसर है मोस्ट लाइकली नो। हाल फिलहाल तो फोर्ड का ऐसा कोई प्लान नहीं है, तो अगर आपको कोई सोशल मीडिया पोस्ट या फिर न्यूज शेयर करे तो वो मोस्टली फेक ही होगी। और ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि फोर्ड इंडिया में एवरेस्ट AK एंडेवर के साथ कमबैक करेंगे और साथ में रेंजर को भी इंडियन मार्केट के लिए इवेल्युएट किया जा रहा है, लेकिन फोर्ड मोटर्स का अभी इको स्पोर्ट्स और फीगो को लेके ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो सॉरी फॉर दैट, आप अपने दर्द को हमारे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ लग्जरी सेगमेंट की। अपडेटेड लैंड रोवर डिफेंडर रिवील हो गई है, तो इसमें जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो बॉनेट के अंदर हुआ है। सबसे पहले जो D300 डीजल इंजन है उसको चेंज कर दिया गया है D350 से, और अब वो पहले से ज्यादा पावर डेवलप कर रहा है, 350 हॉर्स पावर एंड 700 न्यूटन मीटर टॉर्क। दूसरा, P400 स्ट्रेट 6 पेट्रोल इंजन को भी रिप्लेस कर दिया गया है JLR के 5 लीटर V8 इंजन से। और तीसरा, 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन जो आपको डिफेंडर में मिलता था उसको भी रिप्लेस कर दिया गया है P300E से, जो कि आपको इवोक या फिर डिस्कवरी स्पोर्ट में मिलता है। तो ये बेसिकली 1.5 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है जिसके साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर कंबाइन है, और ये दोनों मिलके 310 हॉर्स पावर डेवलप करते हैं। अलोंगसाइड दैट थोड़ी बहुत चेंजेस इसके सीट कॉन्फ़िगरेशन में भी हुई है, जैसे कि डिफेंडर 130 में आपको कैप्टन चेयर्स पैक मिल रहा है। Audi की Q3 स्पोर्टबैक बोल्ड एडिशन लॉन्च हो गई है इंडिया में, और इसके एक्सशोरूम प्राइसेस शुरू होते हैं 54.65 लाख रुपीस से। और इसमें सबसे मेजर चेंज क्या हुआ है? वेल, आपके जो एक्सटीरियर्स हैं उनको ब्लैक्ड आउट कर दिया गया, जो पावर ट्रेन है वो किसी भी तरह से चेंज नहीं हुई है, और जो 18-inch 5-spoke alloy व्हील्स हैं उनको भी ऑप्शनल ड्यूल टोन फिनिश मिल रही है। BMW 3 सीरीज ग्रैंड लिमोजिन M स्पोर्ट प्रो एडिशन भी इंडिया में लॉन्च किया गया है। आपको मिल रही है ब्लैक्ड आउट किडनी ग्रिल, शेडो लाइन एलिमेंट्स के साथ एडेप्टिव LED हेडलाइट्स और साथ में ग्लॉस ब्लैक रियर डिफ्यूजर भी। अलोंगसाइड दैट इसमें आपको ADAS फीचर्स भी मिलेंगे, जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट असिस्टेंट, लेन चेंज असिस्टेंट एंड पार्किंग असिस्टेंट प्लस 3D रिमोट व्यू के साथ। ये एक लिमिटेड रन वेरिएंट होगा और 3 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस वेरिएंट के ऊपर इसको रखा गया है। M स्पोर्ट प्रो एडिशन के जो प्राइसेस हैं वो लगभग 2 लाख रुपए ज्यादा हैं 330 Li M स्पोर्ट से, और इसमें किसी भी तरह के मैकेनिकल चेंजेस नहीं किए गए हैं। BMW की तरफ से एक और न्यूज है, M4 CS को रिवील कर दिया गया है। अब ये इंडिया में आएगी नहीं आएगी ये तो फ्यूचर की बात है, लेकिन आप इसके कुछ हाईलाइट सुन लीजिए। जैसे कि इसमें आपको स्टैंडर्ड M4 कंपटीशन से 20 हॉर्स पावर ज्यादा मिलेगा, और साथ में ये 20 किलोग्राम लाइटर भी है, जिसका मतलब ये कि 0 to 100 तक एक्सेलरेट हो सकती है 3.4 सेकंड्स के अंदर।
Porsche Panamera का भी इंडिया में डेब्यू हो चुका है और उसकी डिलीवरीज भी शुरू हो गई है। एक्सशोरूम प्राइसेस 1.70 करोड़ रुपीज से शुरू होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना महंगा इस गाड़ी में क्या है, तो सबसे पहले तो आपको 2.9 लीटर V6 टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो डेवलप करता है 353 हॉर्स पावर एंड 500 न्यूटन मीटर टॉर्क यानी कि पुलिंग पावर, और इनको रियर व्हील्स में भेजता है एक 8 स्पीड ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन के थ्रू। 0-100 ये 5.1 सेकंड्स के अंदर अचीव कर सकती है और इसकी टॉप स्पीड है 272 kph की। अलोंगसाइड दैट इसमें आपको मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स, 8 वे पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स और 12.3 इंच टच स्क्रीन भी मिलती है। रॉल्स रॉयस ने अपनी कलिनन को फेसलिफ्ट दे दिया है और इस फेसलिफ्ट में उसको मिला है न्यू अपडेटेड फ्रंट फेशिया, नए बम्पर, नए हेडलैम्प, इंटीरियर में भी चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको स्पिरिट OS मिल रहा है जिसको हमने सबसे पहले स्पेक्टर में देखा था, और स्पेक्टर की तरह ही इसमें आपको डैशबोर्ड पे फुल विड्थ ग्लास पैनल भी मिल रहा है और साथ में पैसेंजर के सामने आपको सिटीस्केप मोटिव भी मिलेगा। मैकेनिकली इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, वही आपको 6.75 लीटर ट्विन टर्बो V12 इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 571 हॉर्स पावर एंड 850 न्यूटन मीटर टॉर्क यानी कि पुलिंग पावर, और उनको चारों व्हील्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है एक 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के थ्रू। और इससे याद आया, इसमें आपको एक और नई चीज मिलेगी, वो है न्यू 23 इंच एल्यूमिनियम व्हील्स जो कि पिछले वाले से पूरा 1 इंच बड़े हैं। अब बात करते हैं कुछ टू व्हीलर्स की। तो सबसे पहली न्यूज जो अभी तक आपने सुनी ली होगी कि बजाज ने अपनी नई पल्सर NS400Z को लॉन्च कर दिया इंडिया में। इसमें आपको वही डोमिनार वाला 373cc इंजन मिलता है जो 40 हॉर्स पावर और 35 न्यूटन मीटर टॉर्क डेवलप करता है। साथ में इसमें आपको एक कलर LCD डिस्प्ले भी मिल रहा है जिसमें आपको नेविगेशन भी मिलेगी, और इसकी जो डिलीवरीज है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून से शुरू होने वाली है। एक्सशोरूम प्राइसेस 1,85,000 रुपीज से शुरू हो रहे हैं। मूविंग ऑन, ओला ने कुछ नए इलेक्ट्रिक बाइक के पेटेंट्स को रजिस्टर किया है, और इन पेटेंट्स को अगर आप ओरिजिनल कंसेप्ट से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि ये काफी रियलिस्टिक हैं जो कि मास मार्केट में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। एंड दैट्स इट एवरीवन, इस हफ्ते के लिए सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से कौन सी न्यूज एक्साइटिंग लगी और कौन सी नहीं, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप ड्राइव सेफ करिए और सीट बेल्ट यूज करिए।